युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार, खाते से 99,000 रुपये पार, नया गांव कोलवा थाने में मामला दर्ज। 10,000 रुपये भेजने का झांसा देकर फ्रॉड का लिंक भेज 99,000 पार किए। मोबाइल नंबर पूछ वेरीफाई करने को 4 रुपये भी भेजे। जिले में आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया व ऑनलाइन माध्यमों से झांसा देकर ठग द्वारा लोगों को चपत लगाई जा रही है। ताज़ा मामला कोलवा थाना क्षेत्र के नया गांव का है, प्रकाश में आया है, जहां बुधवार को एक व्यक्ति से करीब 1,00,000 रुपये की ठगी का मामला कोलवा थाने में दर्ज होने के बाद प्रकाश में आया है। पीड़ित ने थाने में एक FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस के अनुसार मुकेश गुजर निवासी नया गांव ने मामला दर्ज कराया है कि उसने मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बैंक खाते या पेटीएम में 10,000 रुपये भेजने की बात कही। इसके झांसे में आकर युवक ने अपने चचेरे भाई के पेटीएम मोबाइल नंबर दे दिए, जिस पर कुछ देर बाद एक लिंक आया और OTP नंबर पूछकर 99,000 रुपये पार कर लिए। इससे पहले ठगों ने उसके पेटीएम पर 4 रुपये भेजकर मोबाइल नंबर सही होने का वेरिफिकेशन भी किया। कोलवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व बांदीकुई थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति के फोन पे अकाउंट से 30,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया था। ऐसे में आए दिन आ रहे साइबर क्राइम के मामले पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। फिलहाल मामले को लेकर कोलवा थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।